हेलो पीपल, हाय हाय हाय, वेलकम यार, क्या हाल है? आओ भाई आओ। सॉरी यार, थोड़ा सा आज लेट हो गया आने में, आपसे मुलाकात करने में। स्वागत है पहले तो आप सभी का सेशन में, हमारे आपके सेशन में, आपके अपने किरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जहां पर मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट कई क्वेश्चंस में से कुछ चुने हुए क्वेश्चन कराता हूं जिसका रिपीटिशन रेट बहुत ज़्यादा है और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर इंसान को आने चाहिए। हम कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री और दिवाली के बाद हम शुरू कर देंगे पॉलिटी, ठीक है? फिर से कराऊंगा इंडियन हिस्ट्री, जैसे मान लो हिस्ट्री के 10 सेशन तक हो जाएंगे, है ना? हिस्ट्री के जैसे मान लो आज 5वां 6वां क्लास है आज, तो 8-10 सेशन इसके हो जाएंगे, फिर सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक देने के लिए ताकि आप इन सभी क्वेश्चन को रिपीटेडली याद कर पाएं। फिर मैं इसका एक टेस्ट भी लूंगा, फिर से टेस्ट लूंगा मैं इसका, और फिर दिवाली के बाद हम शुरू करेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में आपकी जो पॉलिटी आ रही है, आपकी वो जो किरण की पॉलिटी आ रही है, उसमें मैं थोड़ा सा नोट्स भी अटैच कर रहा हूँ ताकि जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, उनके पढ़ने के लिए भी काम हो जाए, ठीक है? वो लोग थोड़ा सा पढ़ाई भी कर सकें उन्हीं नोट्स से, ठीक? जरा मैं आपका लेक्चर खोल लूँ पहले, क्योंकि कई लोगों को दिक्कत है, कई लोगों को ये है कि भाई कभी बिल्कुल नहीं पढ़ाया और नहीं पढ़ सकते कहीं पर, और नहीं ऐसा कुछ उनको अलाउ करती है, माली हालत ऐसी नहीं है कि कहीं करा जा सके। तो मैं आपको बैकग्राउंड भी देता रहूंगा क्वेश्चन का, और कई चीज़ें तो आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएंगी जो भी मैं चीज़ें कराऊंगा, राइट? रुकना जरा देख लूँ, सारी चीज़ें दिख रही हैं बढ़िया से। हाँ जी, अरे आ गए एकदम ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, सब जो मैंने बोला आपको सुन लिया होगा आपने। और थोड़ा सा दिवाली का माहौल है इसलिए कुछ कभी कभी क्लासेस जो है थोड़ा सा कुछ ऐसा रहेगा कि कुछ डीले वीले हो जाती हैं। चलिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, पूरी रेगुलर रहना, ठीक है? आओ, सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए हमारे पास आ रहा है कौन सा भाई? सबसे पहले गोरिल्ला वॉरफेयर जो टेक्निक है यार, वो 17वीं सेंचुरी में भारत में किसने दी? गोरिल्ला वॉरफेयर, और गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक क्या होती है मैं ये भी बताता हूँ, बड़ी बढ़िया थी, सुनना। हुआ क्या, पहले तो इसका आंसर बताओ क्या है, पहले इसका आंसर बताइए। बात किसकी हो रही है? 17वीं शताब्दी की हो रही है, ये बात ध्यान रखना, 17वीं शताब्दी की बात बोली गई है। इस चीज से ही आंसर निकलेगा, आप लोग बताओ पहले आप लोगों का क्या आंसर है इसका। कम ऑन, ओके, वेरी गुड बाकी लोग, हाँ आंसर, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। देखो एक्चुअल में क्या होता है, महाराणा प्रताप भी लेके आए थे और शिवाजी भी लेके आए थे। हुआ क्या, जब शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, इन्होंने जब औरंगजेब की सेना से जब ये युद्ध नहीं जीत सके तो, और कैप्चर कर लिया गया सभी एरिया, गुजरात और इन सब के सभी एरिया जब कैप्चर कर लिए गए, तो इन्होंने क्या करा, गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक लेके आया। इसमें क्या होता था, पहाड़ियों में, अगर आपने तानाजी देखी हो तो आप इस चीज को बहुत बढ़िया से समझेंगे। यहां क्या करते थे, पहाड़ियों के ऊपर रहते थे, और जैसे ही पहाड़ियों के, ये खुले मैदान में नहीं लड़ते थे, इसमें पहाड़ियों के ऊपर पेड़ों के पीछे इस तरीके से रहते थे, और जैसे ही सेना वहां से निकलती थी तो तुरंत प्रहार करते थे और फिर चले जाते थे। तो इसको बोलते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक, और बड़ी शानदार, बड़ी जबरदस्त टेक्निक थी, क्योंकि उस समय किसी को पता ही नहीं था, हर कोई एक ही चीज जानता था कि भाई सामने मैदान में लड़ाई होती है, तो ये मैदानी लड़ाई नहीं हुआ करती थी, समझ गए बात को? तो देखो, दो लोगों ने ऐसी लड़ाई लड़ी है, महाराणा प्रताप और शिवाजी। महाराणा प्रताप कौन सी में आए हैं, 8th सेंचुरी में, लेकिन सवाल कौन सी सेंचुरी का पूछा गया है, 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में तो शिवाजी महाराज थे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ ये बात क्लियर हो गई, बढ़िया से दोनों चीजें क्लियर है कि कौन कौन लड़ा, महाराणा प्रताप और शिवाजी, दोनों के दोनों लड़े थे यहाँ पर, ठीक है? आगे आ रहे हैं भाई, ये जो है पहले मुस्लिम रूलर, दिल्ली के पहले मुस्लिम रूलर जो है वो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहां या फिर अकबर? देखो आपको मालूम है जो सीक्वेंस रहा है, जो रूलर्स का जो सीक्वेंस रहा है वो क्या रहा है, दिल्ली की बात करें तो पहले आई है दिल्ली सल्तनत। मैं आपको साथ में इस थ्योरी भी बताता जा रहा हूँ भाई, पहले आई है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बाद में कौन आया है, दिल्ली सल्तनत के बाद आया मुगल। दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कौन कौन शासक, कौन कौन आया है, SKTSL यानी स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो इसका मतलब क्या हुआ यार, इनमें से कौन सी डायनेस्टी सबसे पहले आई है, स्लेव कौन था उस डायनेस्टी का, अरे कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, बहुत बढ़िया ठीक है। हाँ यार, आज क्लास लेट हो रही है क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा सा हमारा जो जो थोड़ी सी तबीयत है वो थोड़ी ऐसी है कि एक्चुअल में क्लास लेने की हालत ही नहीं है, सच्चाई ये है। लेकिन मैं आप लोगों की ये क्लासेस जो हैं ये छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इन्हीं क्लासेस पर डिपेंड हैं। तो अभी कुछ भी हो, मैं कोशिश करता हूँ भले लेट सवेर हो जाए लेकिन क्लास हो जरूर जाए, इसलिए ये आज लेट हुई है क्लास, ठीक है?
बोल भी रहा हूँ ना तो मैं बोलने का अभी हालत है नहीं, थोड़ा सा कुछ अभी मुझे पहले कोरोना भी हो गया था, करीब 10 दिन पहले मुझे कोरोना भी था, तो थोड़ा सा मामला जो है अभी भी कुछ, वैसे कोरोना सही हो चुका है, नेगेटिव आ चुका हूँ मैं, पहले कोविड पॉजिटिव हो गया था बीच में, लेकिन अभी ये है कि थोड़ा सा वीकनेस वगैरह थोड़ा कभी कभी आ जाती है, गले में अजीब सा दर्द सा होने लगता है कभी कभी। आओ, जीटी रोड जो है शेरशाह ने बनवाई थी वो किसको किसको कनेक्ट करती है ये बताओ। जीटी रोड इसका फुल फॉर्म, इसको मतलब क्या बोलते हैं, ग्रैंड टंक रोड या जीटी रोड। तो शेरशाह सूरी ने दो काम बहुत बड़े बड़े कराए थे, एक तो हरकारा सिस्टम लाए थे, एक तो क्या लाए थे, हरकारा सिस्टम। हरकारा सिस्टम मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है, डाक का सिस्टम होता है। और दूसरी बात क्या है, देखो दूसरी बात क्या होता है यार, दूसरी कराया था इन्होंने जीटी रोड, ठीक, कहां से कहां तक, इन्होंने कलकत्ता से लेकर के, कोई बताएगा कहां, कलकत्ता से लाहौर, बेसिकली पेशावर के पास तक की इन्होंने कराया था। यहां लाहौर बोल रहा है, कलकत्ता से पेशावर था बेसिकली वो, ठीक है। एक्चुअल में अगर आपको ये दिया हो ना तो इसको पहले करना करेक्ट, पेशावर से लेकर के कलकत्ता तक, उस समय कलकत्ता ही था ये, मतलब कोलकाता, आज की डेट में कोलकाता बोल दो इसको। तो एक्चुअल में ये है, तो ये बड़े एरियाज की बात करें तो ईस्ट बंगाल और लाहौर, ये हो गया हमारा, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दूं, अभी कर देता हूं, जो जैसी इच्छा, रुको इतना ठीक है, अब इससे छोटा बहुत छोटा लगूंगा यार, है ना, बालक लगूंगा फिर तो, बहुत छोटा सा, इतना रहने दो, ठीक है। आओ यहां पर आ रहे हैं यार, इनमें से कौन फॉरेन कंट्री है जिसने पहली बार क्या किया, फर्स्ट वन टू ट्रेड विद इंडिया, भारत के संग ट्रेड करने वाली पहली कंट्री कौन सी थी। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो कहानी क्या है, इसमें भी कहानी है, बताता हूं, ठीक है सूरज कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सब लोग बताइए आंसर, सब बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, चलो आंसर क्या आएगा इसका, सुनना। एक्चुअल में सबसे पहले कौन आया इंडिया में, भारत में सबसे पहले आने वाला इंसान का नाम क्या था, जो यूरोपियन कंट्री जो पहले आई थी वो थे वास्को डा गामा। कब आए, 1498 में, कहां से आए, पुर्तगाल से आए, ही वॉज अ पोर्टुगीज। तो क्योंकि पहले आने वाला यात्री कौन था, एक पोर्टुगीज यात्री था जिसका नाम क्या था, वास्को डा गामा। वास्को डा गामा कहां से आए थे, साउथ अफ्रीका के पास से आए थे, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, उनके आने के बाद ही नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप। पहले उस रास्ते को मानते थे कि यहां मृत्यु रहती है, सुनो क्यों, क्योंकि केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका के एकदम नीचे तलहटी से निकलता है, तो वहां कोई सेलर जिंदा बच नहीं पाता था, क्योंकि वहां हवाएं बहुत तेज होती थी। इन्होंने क्या किया, एकदम सहारे 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 चलते रहे, एकदम कॉन्टिनेंट के एकदम पास 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 चलते रहे कॉन्टिनेंट के, तो ये इनका शिप डूबने नहीं पाया, तो इन्होंने एक रास्ता दे दिया यूरोपियन कंट्रीज को भारत आने का, ठीक। तो इसलिए उसके बाद से, इनके आने के बाद से नाम क्या पड़ा, केप ऑफ गुड होप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाल, बताओ एकदम क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया, ये सारे सवाल है, मैं एक सवाल में 4 से 5 सवाल कराता हूं, मैंने पहले बोला था, सुनो। तो पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया, भैया दी है तंबाकू, टोबैको, भाई दिया है आलू, पोटैटो, ठीक है, भाई दिया है यहां पर पोटैटो हो गया, तंबाकू हो गया, और इन्होंने क्या दिया है, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जो है ना ये भी पुर्तगालियों ने भारत वालों को दी है, ठीक। आओ आगे, अच्छा आपने एक और चीज सुना, इनके नाम पे एक और चीज बताता हूं, आपने वो सुना यार गोवंस, आपने सुना है गोवंस, गोवंस एक रेस होती है, यानी गोवा में जो क्रिश्चियन रहते हैं, आपने गोवा के क्रिश्चियन, जो नेटिव रेस है, जो गोवा के क्रिश्चियन है वो कौन है मालूम है, वो पुर्तगाली है, मतलब पुर्तगाली रेस के हैं, उनके जो दादा नाना हुआ करते थे वो कौन है, वो पुर्तगाली हुआ करते थे। तो पुर्तगाली और भारत, इनके बीच से जो संतान की उत्पत्ति हुई है वही गोवंस कहलाते हैं, या लूसो इंडियन कहलाते हैं, समझ गए। उनके दादा नाना जो हुआ करते थे वो पुर्तगाली रेस के थे, जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी करी, क्लियर है, चलो बढ़िया, आओ आगे बढ़े, ये सारी कहानियां क्लियर है, चलो आपके रिस्पॉन्स तो लग रहा है क्लियर है भाई। इनमें से ड्रीम ऑफ स्टोन्स किसको बोलते हैं, इनमें से किसको बोलते हैं ड्रीम ऑफ स्टोन्स, बताओ, ड्रीम इन स्टोन्स इनमें से किसको बोलते हैं, चार मीनार, अजंता केव, सांची स्तूप, या फिर पंचमहल। आंसर पंचमहल, पंचमहल का नाम है। देखो ये कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जिसके लिए आपको, जिनके जो इंपॉर्टेंट नाम है ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस बीमा, किस ये स्टैटिक का सवाल है बेसिकली, किसका क्या नाम है या निकनेम ऑफ सिटीज। 2-3 चीजें नोट कर लो, सब लोग जरूर पढ़ लेना, समय मुझे मिला तो मैं लिस्ट दे दूंगा, निकनेम्स ऑफ सिटीज। आप मेरा स्टैटिक जीके का सेशन देख लें, उसमें भी कराता रहता हूं ये, निकनेम्स ऑफ सिटीज एंड निकनेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, ये कर लो, ये बड़ा जरूरी है यार, निकनेम्स ऑफ बिल्डिंग्स।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, सही जा रहे हैं। द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इन दिल्ली इन द रीन ऑफ शाहजहां, शाहजहां के टाइम पर कौन आया था, एक फॉरेन ट्रैवलर था जो कि शाहजहां के टाइम पर भारत में आया था, नाम क्या है उस ट्रैवलर का, थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता या फिर मनुची, बताइए आंसर। सब लोग कमान, जिनको नहीं आता ना ऐसा करो, बोल दो नहीं आता, ऐसा बोलो कि नहीं आता, तो उससे आइडिया रहेगा, हाँ भाई मेरे को ये नहीं आता, क्लास में मैं ये नहीं बता पाया था, तो फिर अब मुझे इसका आंसर याद हो गया है। चार बार मैं आपको बुलवाऊंगा उसको जो आपको नहीं आता होगा ताकि याद हो जाए। बहुत बढ़िया, और मैक्सिमम लोगों को नहीं, यहाँ पर मामला अटक गया है। अच्छा देखो, दो नाम है थॉमस रो और राल्फ फिशर। कितने लोगों को डाउट है पहले कौन आया बाद में कौन आया, थॉमस रो और राल्फ फिशर, इसका आंसर तो क्या आएगा हमारा, अब बताइए। पहली चीज ये बताइए, शाहजहां के टाइम पर आए थे ये, ठीक है, या जहांगीर के टाइम पर आए थे, ये बताइए पहले तो। थॉमस रो जो लोग आंसर दे रहे हैं, थॉमस रो जहांगीर के टाइम पर आए थे या शाहजहां के टाइम पर आए थे, पहले तो ये बताइए। प्रिंस सलीम किसका नाम था, अकबर के बाद कौन आया। अरे यार, अकबर गद्दी पे कब तक थे, 1606 तक की थे, उसके बाद जो गद्दी, इसके अकबर के बाद गद्दी पे कौन बैठा पहले ये बताइए, कमॉन आंसर दीजिए जल्दी से, अकबर के बाद गद्दी पे कौन बैठा। आप लोग आंसर में देख रहे हो, अभी तक मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, सिर्फ आप इतना बताओ। अभी मैं आप लोगों को अगर आंसर ना आता हो तो भी कैसे आंसर सही देंगे मैं अभी ये बताता हूं, लेकिन पहले मुझे आपका आंसर चाहिए, बताओ। और ये ध्यान रखना यार, ये सवाल स्टेट पीएससी में पूछा जा चुका है, कई जगह पूछा जा चुका है, बताना। देखो एक्चुअल में समझना, देखो कहानी ये आ रही है कि हाँ गुड, जहांगीर, बहुत बढ़िया। और सुनो, ब्रिटिशर्स पहले, सबसे पहले भारत में उनको कब आए थे, 1600 में, है ना, फिर 1600 से लेकर के 1608 तक की वो यहीं पर रहे, उनको तो जहांगीर से परमिशन मिली थी ना ट्रेड की, हाँ या ना, अरे उनको तो जहांगीर से ट्रेड की परमिशन मिली थी। तो यार थॉमस रो तो जहांगीर के टाइम के थे, मुझसे क्या पूछा था, शाहजहां के टाइम पर। तो शाहजहां के टाइम पर कौन आया है, शाहजहां के टाइम पर मनुची, एक ट्रैवलर थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने पूरे भारत में घूमे और उन्होंने पूरा लिखित लेखा जोखा दिया है कि कौन सा राजा क्या रूल करता था, किसका रूल कैसा था, लोग कैसे थे। इनसे हमको हिस्ट्री समझने में बहुत हेल्प हुई है। तो आपको खुद सोचना चाहिए था यार, शाहजहां लिखा हुआ है, थॉमस रो तो जहांगीर वाले टाइम के हैं, तो ये तो हो नहीं सकते, विलियम हॉकिंस भी वही वाली बात आ जाएगी, इब्न बतूता तो मोरक्कन ट्रैवलर था, वो तो बहुत पहले आया था, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आया था, इसका मतलब हमारा आंसर क्या पता, मनुची ना आते हुए भी इसका आंसर सही करा जा सकता था, समझ आई बात। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन लगाना, क्या आंसर है ये आना जरूरी नहीं है, क्या नहीं आंसर है ये मालूम होना जरूरी है। चलो, मैंने क्लास में जो लोग क्लास करा हुआ है, मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है कि थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता, सारी चीजें क्लास नोट्स में है। आइए, बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। चलो, अबुल फजल किस सूफी सेंट के बेटे थे, बहुत बढ़िया सवाल, अबुल फजल किस सूफी सेंट के बेटे थे, आंसर बताइए। ये भी देखिए 2016 में सवाल आ चुका है, ये सब कुछ, वेरी गुड, बताओ 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 बताओ, सब लोग बताओ। शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा निसारुद्दीन चिराग, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, करेक्ट आंसर, अबुल फजल वदी सन ऑफ शेख मुबारक। अब आप सोच रहे हैं यार ये है क्या, शेख मुबारक के सूफी सेंट, हमें क्या ये भी याद करना होगा, सुनना। देखो एक्चुअल में जो सूफी, देखो इस्लाम था, इस्लाम दो पार्ट्स में बटा हुआ है, इस्लाम में दो चीजें होती हैं, एक होता है सूफिज्म, सूफिज्म क्या होता है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट इस्लाम है, जो कि जो कुरान में सभी बातें बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, सभी, मतलब कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है जो गड़बड़ हो, होली बुक है, और एक्चुअल में उसमें जो वर्ड्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो बहुत बढ़िया लिखी हुई हैं। तो सूफिज्म उन्हीं चीज़ों को बताता है कि उनसे इंसानियत को क्या फ़ायदा हो सकता है, सूफिज्म में वो चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक। अब क्या है, ये सूफिज्म 5 हिस्सों में है, मतलब 5 सेक्ट है इसके, 1 2 3 4 5,
कुछ लोग इसमें से एक ऐसे सन्यासी टाइप जीवन जीते हैं कि हम किसी से कोई हम पैसा वैसा मटेरियलिज्म बिल्कुल दूर रहेंगे। एक पर्टिकुलर सेक्ट होता है जो कि ये मटेरियलिज्म वगैरह सब दान दक्षिणा सब कुछ लेते हैं। अलग अलग तरह के सेक्ट होते हैं। उन्हीं में से एक सेक्ट थे जिनका नाम क्या था, उन्हीं में से एक सूफी सेंट थे, एक पर्टिकुलर सेक्ट को, इन पांच में से एक को बिलोंग करते थे, वो थे शेख मुबारक। इनमें से एक थे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं पांचों में से एक के हेड थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक के हेड थे शेख मुबारक। तो ये पांचों जो सूफी जो सेक्ट हैं, सूफी सेक्ट होने का मतलब जैसे समझो जैसे बुद्धिज्म है या जैसे जैनिज्म है, दिगंबर श्वेतांबर दो में बटा हुआ है ना, ऐसे ही सूफिज्म भी जो है इसके पांच सेक्ट होते हैं। ठीक, तो ये पांचों के हेड कौन थे ये आपको मालूम होना चाहिए। 2016 में सवाल आया है वहां से, शेख मुबारक। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पहले मैं जरा आप लोगों का आंसर रिप्लाईज देख लूं जरा। बढ़िया, ठीक है, आओ, कोई बात नहीं। ठीक है पूजा चौधरी, वेरी गुड, कुछ लोग आंसर एकदम सही आ रही है। विच डायनेस्टी वाज रूलिंग विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तलाईकोटा। भाई कौन सी डायनेस्टी ऐसी थी जो कि इस समय वहां पर थी, बताइए। देखिए चार बेसिकली डायनेस्टीज हैं। ठीक है, वेरी गुड, पहले तो आंसर बताइए सब लोग। और ये किस टाइम पर है ये भी बताना यार, ये किस टाइम पर है ये भी बताना। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ठीक है, हाँ हाँ, देखो एक्चुअल में क्या है समझना, जब यार ये दिल्ली सल्तनत चल रहा था, सुनना, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर कर्नाटका या आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और साउथ आंध्र प्रदेश रीजन में क्या हुआ सल्तनत, यहां पर क्या हो रहा था, दो डायनेस्टीज थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट आ रही थी। एक था विजयनगर किंगडम, एक था विजयनगर किंगडम और दूसरा था बहमनी एम्पायर, दूसरा था बहमनी एम्पायर। ये दोनों सेम टाइम पर आ रहे थे। तो हुआ क्या यहां पर विजयनगर और बहमनी में, क्या हुआ विजयनगर एम्पायर बहमनी एम्पायर, इसमें हो ऐसा रहा है कि इनका आपस में लड़ाई हुई। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था बैटल ऑफ तलाईकोटा, राक्षस तंगड़ी और बन्नी हट्टी, ये एक ही नाम है, एक ही बैटल के तीन नाम है। इसमें विजयनगर एम्पायर का अंत हो गया, मैंने पिछली बार बताया था। तो इसकी आखिरी डायनेस्टी कौन सी थी यहां पर जो फाइट, जिस समय ये फाइट हुई है, तुलु डायनेस्टी। आपने एक और सुना होगा ये तुलु ब्राह्मणों में, आपने कबीर सिंह देखी है आपने, हाँ हाँ, संगम नहीं, संगम आखिरी क्यों है, अरे यार देखो संगम, सुनना संगम, समझाता हूं संगम, इसका सीरियल संगम, संगम सुलुव तुलुव अराविडू, तुलुव टी यू एल यू वी, तुलुव अराविडू या अनिरिडू बोल दो, अराविडू, ये चार डायनेस्टी था, इसका सीक्वेंस भी यही था, संगम सुलु तुलु अराविडू। तो तुलु डायनेस्टी जो थी इसके टाइम पर बैटल हुआ ये बहुत, फिर इसके बाद अराविडू हुआ, ये चल नहीं पाई क्योंकि ऑलरेडी क्या था बहमनी एम्पायर ने ओवर पार कर दिया था। बात समझ आ गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1565, वेरी गुड, जिसने भी बताया बिल्कुल बढ़िया। तो ये चार डायनेस्टी हुआ थी, इसमें राजा जो तेनालीराम है, तेनालीराम जो है राजा कृष्णदेव राय के टाइम पर थे, राजा कृष्णदेव राय यही जो ये तुलु डायनेस्टी है ना उससे ताल्लुक रखते हैं। आपने कबीर सिंह सुना, मूवी देखी होगी कबीर सिंह मूवी में आपने, अगर कबीर सिंह नहीं यार अर्जुन रेड्डी देखी है, अर्जुन रेड्डी देखी है आप में से किसी ने, अगर अर्जुन रेड्डी देखी हो तो एक चीज़ समझना, अर्जुन रेड्डी में आपने एक चीज़ देखी होगी, सो द एक्ट्रेस हु इज देयर, सो द गाय सेज के वी आर, द गर्ल सेज वी आर तुलु ब्राह्मण, तो जो तुलु ब्राह्मण की बात हो रही है वो यहीं से आया हुआ है तुलु। ठीक, दैट इज द सेम रेस। आई, इनमें से कौन से सुल्तान चौगान पोलो खेलते समय खत्म हो गए थे, इन्होंने बहुत तबाही मचाई थी, बताइए। देखिए सवाल कंफ्यूज हो रहे हैं, सवाल सुनिएगा, यहां पर किस डायनेस्टी का रूल जो था वो हो रहा था तलाईकोटा के टाइम पर। तलाईकोटा जो बैटल है ये बैटल वो बैटल है जब जो विजयनगर और बहमनी एम्पायर के बीच में हो रहा है और विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया है उसके बाद। ठीक है, फिर विजयनगर एम्पायर नहीं चल पाया, धीमे धीमे वो पतन की ओर बढ़ गया था। ठीक है, आइए अब बताइए यहां पर। ठीक है, वेरी गुड यार, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत सारा, इन्होंने खुद जिसको बोलते हैं ना यार कि किस्मत जो होती है वो आ करके एट दी एंड जैसी करनी वैसी बननी, इन्होंने बहुत सारी बर्बादी करी थी, बहुत सारे इन्होंने चीज़ें तोड़ी थी, बहुत सारे लोगों को मारा था, बहुत सारे लोगों को मारा था। तो ये जो है इन्होंने ये पोलो खेल रहे थे और ये निकल लिए उसी में, खेलते खेलते ही निकल लिए ये। आइए, इनमें से कौन सिख गुरु ने
फाउंडेशन। देखिए पूरा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि कौन से गुरु कहां पर कौन किसके बाद कौन से गुरु आए, सारी चीजें। इनमें से कौन से सिख गुरु ने अमृतसर का फाउंडेशन स्टोन ले किया था, बताइए। अमृतसर फाउंडेशन स्टोन कमेंट्स में आंसर दीजिए, जिनको नहीं आता तो बता दो, नहीं आता बताइए। ठीक है, ओके ओके ओके, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमृतसर, हाँ बहुत बढ़िया बात है। चलो एक चीज समझना, अच्छा कई लोगों का, हाँ 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 बहुत बढ़िया। देखिए क्या है यार, दो चीजें हैं समझना। अमृतसर की जो जमीन है, अमृतसर की जो जमीन है वो अकबर ने डोनेट करी थी गुरु रामदास को। अकबर ने डोनेट करी थी बीबी भानी को। तो ये अमृतसर की जमीन के ऊपर फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? गुरु रामदास ने। बात आए गोल्डन टेंपल के, वो गोल्डन टेंपल किसने बनवाया? हम बोलेंगे गुरु अर्जन देव। तो यहां अगर गोल्डन टेंपल की बात करें तो हम बोलेंगे गुरु अर्जन देव, अगर बोले फाउंडिंग स्टोन ऑफ अमृतसर सिटी का तो हम बोलेंगे गुरु रामदास। ये कहानी क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, मैक्सिमम लोगों की कहानी क्लियर और कई लोगों का सही भी है। तो ये दो सवाल यहां से पूछता है, फाउंडेशन स्टोन अमृतसर शहर का किसने रखा? गुरु रामदास हो गए, और अर्जुन ये गोल्डन टेंपल किसने बनवाया? गुरु अर्जन देव। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अकबर ने दीन इलाही किसने बोला? विच आर द फॉलोइंग राइटर्स कॉल्ड अकबर्स दीन इलाही एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ हिज फॉली नॉट ऑफ विजडम। इसका मतलब ये किसने बोला कि ये एक बेवकूफी भरा सपना था? ठीक है चलिए, ओके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी देखिए ये कहानी शायद आपको ना पता हो, दीन इलाही क्या है? दीन इलाही वो है यार जो अकबर ने क्या करा, सभी धर्मों की अच्छी चीज़ें लेकर के उनमें से क्या किया, एक धर्म बना दिया, तो वो उसको नाम दिया उन्होंने दीन इलाही। तो ये हिस्टोरियन हुए हैं काफ़ी फेमस, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, विंसेंट स्मिथ, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। हिस्ट्री में अक्सर इनकी कही हुई बातें पूछी जाती हैं कि ये कौन से हिस्टोरियन ने बोला, ये कौन से हिस्टोरियन ने बोला, तो इनकी काफ़ी कमेंट्री है इनकी इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। तो इन्होंने बोला था कि अकबर ने ये काम किया कोई समझदारी का काम नहीं था, ये उसकी अकलमंदी का काम नहीं था, कि ऐसे देश में जहाँ धर्म सबसे बड़ी चीज़ है उन्होंने एक नया धर्म बनाने की कोशिश करी एक इंसान, क्योंकि यहाँ पर जो भी धर्म बनाए गए हैं ये कई सालों से चले आ रहे हैं, एक धर्म बनने के लिए कई हजार कई सौ साल लग जाते हैं, और अकबर ने एक नया धर्म बनाने की कोशिश करी, ये उनकी बेवकूफ़ी थी, ये उनका कोई बहुत सोची समझी चीज़ नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? विंसेंट स्मिथ। इन्होंने मेनली इसीलिए बोला कि ये जो देश है यहाँ पर धर्म का ठप्पा पहले ही लग जाता है और यहाँ इंसान अपनी आइडेंटिटी अपने धर्म से जोड़ता है, तो ऐसे देश में ये लाना कोई बहुत अकलमंदी की चीज नहीं थी, ये इनका कहना था, ये टिप्पणी थी इनकी अपनी। चलो विजयनगर एम्पायर को और क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी इंडी। हाँ जी सूरज, विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ कई हुई चीजें कई बार आपको मिलेंगी, बहुत बढ़िया। आओ ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सिटी ऑफ विजयनगर को और क्या बोला बाबा? हेलेबेडू, चंद्रगिरी, हम्पी या फिर कोंडाबीडू। यार देखो ये थोड़ा सा ओल्ड नेम्स ऑफ सिटीज हैं, दो चीजें आपको यहाँ याद रखनी है, पहले तो इसका आंसर बताइए करेक्ट आंसर। हाँ जी क्लास लेट स्टार्ट हुई है, इंडी, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। अरे यार आपने नाम सुना होगा, आपने ये नाम सुना है हम्पी रुइंस, आपने नाम सुना है हम्पी रुइंस, ठीक है वहीं के किले तो बोलते हैं हम्पी रुइंस। दो तीन चीजें याद रखना, सुनना, और एंशियंट नेम ऑफ रिवर्स, दो तीन चीजें नाम याद रखना, एंशियंट नेम ऑफ रिवर्स, ठीक है एंशियंट नेम ऑफ रिवर्स याद रखेंगे, फिर दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, एंशियंट नेम ऑफ सिटीज, एंशियंट नेम ऑफ सिटीज, और तीसरी चीज ये याद रखेंगे कि सिटी और रिवर बैंक, कौन सी सिटी किस रिवर बैंक पे थी, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है चलो। हाँ जी आओ, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, बिल्कुल सही वैभव, बिल्कुल सही, आपने हम्पी रुइंस देखेंगे तो आपको नोट में भी करेंसी में जो पीछे एक उसका वर्ड नहीं याद आ रहा है क्या बोलते हैं उसको, एक पर्टिकुलर पता नहीं एम से कुछ बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, तो नोट में जो होता है ना, पता नहीं बिल्कुल दिमाग से उतर रहा है कि वर्ड मोटिफ, हाँ MOTIF मोटिफ बोलते हैं,
नोट में जो मोटिफ होता है ना पीछे की तरफ, हर नोट में अलग अलग होता है, 50 के नोट में आपको हम्पी रून सीखेंगे आपको, ठीक है। अब इनमें से कौन सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी ने कॉपर कॉइन इशू करे थे सिल्वर कॉइन की जगह? सिल्वर कॉइन की जगह किसने किया था बताओ? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ। ओके ओके ओके, हाँ हाँ मोटिव नहीं, MOTIV मोटिव। देखो यार, आपको मालूम है MBT मोहम्मद बिन तुगलक, उसने क्या किया था कि भाई सिल्वर कॉइन की जगह कॉपर कॉइन, और कॉपर भी नहीं था बेसिकली, ये कौन से कॉइन थे, ये एलॉय के कॉइन थे, ठीक है ना, यहाँ पर एलॉय का इस्तेमाल हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अकबर का टूम कौन सी जगह पर लोकेटेड है? अकबर ने अपना जो मकबरा है वो कहाँ पर बनवाया है? जल्दी 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 जल्दी, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर अलाहाबाद? आपके सामने आपके चार ऑप्शन, और इनमें से आप कई सारे लोग इनमें से कोई भी नहीं चूज कर रहे हैं। अकबर का टूम कहां पर है? सिकंदरा में। अकबर ने अपना टूम बनवाया था कहां पर? सिकंदरा। आइए आगे बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी। इनमें से खिजरा खान ने कौन सी डायनेस्टी शुरुआत करी थी? खिजरा खान ने कौन सी डायनेस्टी शुरू करी थी बताइए? ये दिल्ली सल्तनत के हैं, बहुत बढ़िया। कौन सी, सैयद लोधी, राजपूत या फिर खिलजी? करेक्ट आंसर हमारा आएगा सैयद डायनेस्टी, किसने करी थी? खिजरा खान। सीक्वेंस क्या था याद रखना? SKTSL, यानी कौन सा? स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक। तो सैयद डायनेस्टी जो थी वो खिजरा खान ने शुरू करी थी। आ जाइए यहां पर, अर्लीस्ट रेफरेंस टू सती कस्टम, इनमें से किसमें हमको पता चलता है सती सिस्टम के बारे में? वेरी गुड, सती सिस्टम के बारे में हमको अलावा पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, या ईरानियन इंस्क्रिप्शन से, भानुगुप्त, आईहोल इंस्क्रिप्शन से। ये इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, ये एग्जाम में पूछता है कि पुलकेसिन टू ने कौन सा इंस्क्रिप्शन बनवाया, या आईहोल इंस्क्रिप्शन कौन से राजा ने बनवाया। ये सवाल मैंने इसलिए करा हुआ है ताकि आपको यहां जिन लोगों ने वो इंस्क्रिप्शन कराया उनके भी नाम दिए हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता, उसमें हमको ये लिखा मिलता है कि सती प्रथा जो थी ये उस टाइम पर प्रचलित थी। अच्छा, दो डाउट आते हैं, सुनना, कि सती और जौहर में डिफरेंस क्या है? सती और जौहर में डिफरेंस क्या है? सती यह क्या होता है और जौहर क्या होता है? सुनो भाई, सती वो होता है जब एक औरत अपने पति के मरने पर उसी की पायर यानी उसी की चिता के ऊपर बैठ जाती है, उसको सती बोलते हैं। जौहर वह होता है जब किसी औरत का पति युद्ध में हार जाए तो वो स्लेव ना बना ली जाए, वो स्लेव ना बना ली जाए, उसके लिए वो सभी औरतें जो उस राजा के महल में होती हैं वो सभी एक कॉमन, एक बड़ा सा अग्निकुंड बना करके उसमें कूद जाती थी, उसको जौहर बोलते हैं, ठीक। तो सती प्रथा क्या होती थी? ये एक मतलब आप कह सकते हैं ये फोर्स जो होता था कि रिश्तेदार ही सती करवा देते थे, जौहर औरत अपने लिए करती थी, अपनी मर्जी से करती थी, ठीक। चलिए, इसीलिए आपको जौहर का एराडिकेशन नहीं मिलता। चलिए, अरे यशोधर राजे बुंदेला भैया, अप्रिशिएट ये करिए कि सेशन हो रहा है इस समय इस बीमारी में भी। बात ये नहीं है टाइमिंग क्या है, हर रोज डिफरेंट, बात ये है कि मेरी हालत ही नहीं सेशन लेने की, मेरा गला जो है ना भयानक दर्द कर रहा है, तो मैं 8 बजे सेशन लेने की हालत में ही नहीं था। सेशन आज हो जाए किसी भी तरीके से, बस इसलिए आप लोग मेरा टेलीग्राम फॉलो कर लें, उसमें बता देता हूँ कब है क्या है, उसमें देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करो भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। बीमारी में आप सोचो पढ़ना छोड़ देते हो, हम बीमारी में पढ़ाना नहीं छोड़ते, चाहे गला दर्द करे कुछ भी, हम टाइम शिफ्ट कर लेते हैं, बहुत मुश्किल हुई तो फिर कैंसिल करते हैं सेशन, ठीक। आकर के एक बार देख लिया करो कि आज सेशन किस समय है, 2-3 दिन की बात है, सारी चीजें सही हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है फिर। व्हाट इज द इमीडिएट एम ऑफ ट्रीटी ऑफ पुरानदेर 1665 में, जो पुरानदेर की ट्रीटी हुई है उसमें क्या हुआ है बताओ? जो ट्रीटी ऑफ पुरानदेर हुई है 1665 में, उसमें क्या हुआ था, किसके किसके बीच में हुई थी? पहली चीज तो ये बताइए किसके किसके बीच में हुई थी यहां पर ये ट्रीटी ऑफ पुरानदेर, बताइए। चलो ओके, ठीक ठीक ठीक, अभिलेख और शिलालेख में देखिए, इंस्क्रिप्शन वो होता है, यार हिंदी में नहीं, इंग्लिश में आप पूछ लीजिए, मुझे एग्जैक्टली हिंदी का वर्ड नहीं पता मुझे, ठीक है। वेरी गुड यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो मैं एक समझना, एक्चुअल में ये क्या था, गुडविल ऑफ शियाजी, बिल्कुल नहीं यार, औरंगजेब और इनके बीच में हुआ था ये, मतलब मुगल्स की तरफ से ये क्या बोलते हैं, ये ट्रीटी हुई थी शिवाजी के साथ जब उनसे राज्य लिए गए थे, तो पुरानदेर का किला वगैरह सब ले लिया गया था। तो एक्चुअल में शिवाजी को मुगल्स के अंडर ले आने के लिए ये एक साजिश थी 1665 में, होता ये इसका मेन एम था यहाँ पर।
आओ, ये गलत है, आ जाओ। यहां पर आ रहे हैं बैटल ऑफ पानीपत, बाबर फेस आर्मीज ऑफ बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने किसकी लड़ाई, किसके साथ लड़ाई हुई थी इनकी, बताइए। ओके शिवाजी जयचंद इसमें नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। देखिए बैटल ऑफ पानीपत में आपको मालूम है बाबर तो यहाँ था ही नहीं यार, बाबर तो मंगोल है, अफगानिस्तान साइड में अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा था। यहाँ पर लोदी, दौलत खान लोदी ने बोला कि देखिए ऐसा है यार, ये इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा हुआ है, इसको गद्दी से हटाना है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या किया, उनको वहां से बुलाया, उनको बुलाया अफगानिस्तान से बुलाया, बोले यहां पर आओ इब्राहिम लोदी को मारो ताकि दिल्ली की जो गद्दी है वो खाली हो जाए। बाबर बेवकूफ थोड़ी ना है, उसने आया मारा और उस गद्दी पर आकर के खुद बैठ गया। ठीक, वेरी गुड, आंसर क्या हो गया हमारा, इब्राहिम लोदी। ठीक है, आ जाओ यहां पर आते हैं। इंडिया में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां पर एस्टैब्लिश हुई है, पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां पर एस्टैब्लिश हुई है भारत में, सूरत में, पांडिचेरी में, चांदनगर में या मसूलीपट्टनम में। आपको एक बात ध्यान रखनी है, पहली फ्रेंच फैक्ट्री, पहली पोर्टुगीज फैक्ट्री, पोर्टुगीज फैक्ट्री, फ्रेंच फैक्ट्री और ब्रिटिश फैक्ट्री, ये तीनों फैक्ट्रीज जो हैं कहां कहां पर एस्टैब्लिश हुई है, ये आपको अपने कॉपी में नोट करके रखना है। ठीक, आंसर बताइए पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां पर आई थी, फ्रेंच फैक्ट्री बोल रहा हूं, ध्यान रखना, पोर्टुगीज और ब्रिटिशर्स नहीं पूछ रहा हूं। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कमॉन, सूरत, रुको यार एक मिनट, नहीं यार एक मिनट रुकना, ये चेक करना पड़ेगा, दिस इज नॉट, नहीं दिस इज नॉट सूरत, दिस इज फ्रेंच केम इन दिस वन मसूलीपट्टनम में, इनकी सबसे पहली फैक्ट्री जो आई थी इट केम इन मसूलीपट्टनम, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सही है, चांदनगर में नहीं थी, चांदनगर में नहीं थी, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ फ्रेंच केम अप इन मसूलीपट्टनम। यहां पर बताइए सूरत में किसकी पहली फैक्ट्री आई थी, सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में किसने डाली थी, एनी आइडिया बताइए, सूरत में, मैं पूछ रहा हूं सूरत में किसने डाली थी अपनी सबसे पहली फैक्ट्री, कम ऑन, मतलब फ्रेंच, ब्रिटिश और पोर्टुगीज में से सबसे पहले किसने डाली थी सूरत में, आंसर किसी का भी नहीं, अरे ये तो फेमस है यार, ये तो फेमस है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हां जी एकदम सही, बिल्कुल सही, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स ने डाली थी। अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी ये मालूम है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, ये सरकारी कंपनी नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक 40 ट्रेडर्स यानी प्राइवेट ट्रेडर्स, ये दुकानदार 40 दुकानदार जो हुआ करते थे, ट्रेडर जो सामान एक जगह से लाके बेचते थे दूसरी जगह, उनका एक समूह था, उसी को हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ गए, जिन्होंने क्वीन से चार्टर ले लिया था, बिल्कुल सही, जिन्होंने क्वीन से बोला था ऐसा है वहां पर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे। बात यह आती है कि यूरोपियन इतना इंटरेस्टेड क्यों हो गए भारत के संग ट्रेड करने में, रीजन ये था क्योंकि देखो यार वो कौन सी कंट्री है, वो कोल्ड कंट्री है, कोल्ड कंट्री में वेजिटेशन कम होता है, वेजिटेशन का मतलब समझ रहे हैं क्या है कि फूड ग्रेन्स कम होते हैं, तो वो लोग किस पे डिपेंड करते हैं, वहां मीट का कंजम्पशन यानी मांस का कंजम्पशन बहुत जबरदस्त होता है, मांस का कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, मांस का जो मीट होता है ना उसकी शेल लाइफ यानी कितने टाइम तक उसको ताजा रखा जा सकता है वो बड़ी कम होती है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है उसको मसालों में लपेट के रखे जाने से बहुत बढ़िया होता है, यानी मसाले तो वहां बहुत महंगे बिकेंगे, तो इसीलिए ये क्या करते थे, मसाले कहां पर होते हैं, मसाले उन जगह पर होते हैं जो कंट्री इक्वेटर के थोड़ा आसपास होती है, तो इसीलिए इन्होंने भारत में आकर के इन्होंने ट्रेड करा, क्योंकि केरला, गोवा, कर्नाटका, यहां पर तमिलनाडु, यहां मसाले ही मसाले थे, यहां पर हमारा वेजिटेशन ऐसा है कि खूब मसाले हो सकते हैं, ये कारण था कि यूरोपियन जो है वो भारत आए और उन्होंने खेती करवाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, चलिए आगे आते हैं। यहां पर सिल्वर कॉइन टंका किसने इंट्रोड्यूस किया था, टंका और जीतल एक ही इंसान ने इंट्रोड्यूस किया था, अब बताओ, टंका और जीतल, और क्लास वन में करा चुका हूं ये सवाल, 2014 में भी आ चुका है, 2016 में भी आ चुका है, बताइए टंका और जीतल, सिल्वर कॉइन को बोलते थे टंका, कॉपर कॉइन को बोलते थे जीतल, दो कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे गए थे, आई जस्ट डू वन थिंग, आई जस्ट मैच विद द डेट्स, ठीक है, एक काम करना, एक काम करना, सुनना यहां पर ना, एक काम करना, इसको अभी क्या करूंगा, एक बार ही ना मैं इसकी डेट देख लूंगा, क्योंकि यार ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कोई चीज मान लो अगर देखी ही तो गलत नहीं मालूम होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है, तो नोट कर लेना इसी चीज को हम अगले सवाल में, क्योंकि मैं एग्जैक्ट ईयर देख लूंगा कि इनका एग्जैक्ट ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कौन कौन सा है,
ईयर नहीं याद रहता, ये मालूम होता है कहाँ कहाँ फैक्ट्री डाली, लेकिन ईयर नहीं याद रहता है एग्जैक्टली ईयर कौन सा है। तो इनका जो एग्जैक्ट ईयर है ये मैं एक बार ही क्या करूंगा, अगली क्लास से पहले पहले एक बार देख लूंगा। तो जितने भी लोग अभी कॉपी में देख रहे, कॉपी में लिखा है ये, यहां पर एस्ट्रिक बना लो। अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, इनकी जो जो फैक्ट्री जहां पर आई है उसको ईयर के साथ में क्या करूंगा आपको बता दूंगा। गूगल पे मत देखना, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो एनसीईआरटी नोट से कंसल्ट करके बताता हूँ, एनसीईआरटी देख करके बताता हूँ। तो गूगल पे क्या होता है, किसी का आंसर लिखा होगा वो बताएगा। तो एक बार क्या करूंगा, एनसीईआरटी से मैं पहले खुद चेक कर लूंगा फिर बता दूंगा, ताकि यहां पर ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है, आओ, नहीं एनसीईआरटी से देखना, गूगल से नहीं, गूगल में तो उल्टा सीधा दिया होता है। ठीक, चलो, तो किसने दिया था यार ये, किसका आंसर बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इल्तुतमिश ने क्या किया था, टंका और जीतल दो करेंसी यहाँ पर शुरू कर दी थी। पहला इंग्लिश मैन टू अपियर इन मुगल कोर्ट ड्यूरिंग जहांगीर रियल, ये बताइए, ये तो बता लेंगे, ये बता लेंगे। कैप्टन विलियम हॉकिंस, पॉल कैनिंग, विलियम एडवर्ड या राल्फ फिशर, बताएं। नहीं, ऑफिस में नहीं हूँ, घर पे हूँ अभी तो। कमॉन, पहला इंग्लिशमैन जो कि जहांगीर के कोर्ट में आया, मैंने आपको बताया था ये ट्रेड की परमिशन लेने आए थे, और इनको पहला फरमान, फरमान क्या था कि हम आपको बहुत सारे रिलैक्सेशन दे रहे हैं ट्रेड में और आप हमारे वहां जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हो, वो लेने में इनको 8 साल लगे थे। इट टुक देम 8 ईयर्स टू गेट द फर्स्ट फरमान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, कैप्टन विलियम हॉकिंस, बहुत बढ़िया। आओ, अच्छा यहाँ पर आइए भाई, आमिर खुसरो कंटेम्प्ररी, इन सबके कंटेम्प्ररी थे, लेकिन किस इनमें से, इसको छोड़ करके बाकी सबके टाइम पर हुए हैं आमिर खुसरो। अब बताइए कौन, किसके टाइम पर नहीं थे, ये बताओ। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताना। आमिर खुसरो, मैंने आपको बताया था, ही सॉ राइज एंड फॉल ऑफ कितने, 5 to 7 डिफरेंट किंग्स का राइज एंड फॉल। पिछले क्लास में भी मैंने आपको ये बात बताई थी, पिछले साल में, हाँ जी, ही गॉट द टाइटल इंग्लिश खान। वेरी गुड, किसके क्लास में, किसके टाइम पे आए थे, इनमें से सबके में एक्सेप्ट फॉर इल्तुतमिश। रीजन क्या है समझिएगा, रीजन क्या है, इल्तुतमिश के बाद सबसे पहले सीक्वेंस क्या है, स्लेव डायनेस्टी को कौन कौन बिलोंग करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, देन केम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम पर हमको कहीं पर भी आमिर खुसरो की बात हमको नहीं दिखाई पड़ती है। उसके बाद के जो रूलर आए हैं, फिर इल्तुतमिश के बाद देन हमारे पास रजिया सुल्तान, उनके बाद बलबन, एंड आफ्टर दोज उसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी आई है, खिलजी डायनेस्टी में हम इनके बारे में सुनते हैं, स्लेव डायनेस्टी में हम इनके बारे में नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कौन हो गए, उनके बारे में आखिर में हम उनके बारे में सुनते हैं, स्टार्टिंग में हम नहीं जानते इनके बारे में। ठीक है जी, आओ, बढ़िया, नेक्स्ट पर आ रहे हैं। देखो, जो फैक्ट्री वाला डाउट है ना, इसका क्या करूंगा मैं आपको क्या बता रहा हूं, किसकी फैक्ट्री किसने कहां कहां डाली और कौन कौन सा ईयर है उस फैक्ट्री को डालने का, ये ईयर सही दे दूंगा ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखो, एक बार सवाल आया तो दोबारा भी आ सकता है, इसलिए ईयर जानना अपने लिए जरूरी है। आओ, इनमें से गोल गुंबद क्या है, गोल गुंबद क्या है, पहले तो ये बताओ यार, मॉसोलियम क्या होता है ये बताइए, कमेंट्स, कमेंट, कमेंट, कमेंट्स, नहीं आता तो बता दो, बिल्कुल कभी मान लो कभी नहीं सुना है तो मॉसोलियम बता दो, तो बता दिया करिए कि नहीं पता, मालूम ही नहीं क्या होता है। मॉसोलियम का मतलब होता है, मॉसोलियम का मतलब होता है कि मकबरा, मकबरा, तो ये किसका मकबरा है ये बताइए, गोल गुंबद सुना तो सबने होगा, बताइए, अभी बहुत कम बोल रहे हैं, बहुत कम लोग बता रहे हैं ना जी। और अच्छा, ये बताइए कहाँ पर है, ये भी बताइए कहाँ पर है, कहाँ पर है, देखिए ये है आपका बीजापुर के राजा हुआ करते थे, कौन, यूसुफ मोहम्मद आदिल शाह, यूसुफ मोहम्मद आदिल शाह, तो इनका मकबरा जो है उसी को अपन बोलते हैं गोल गुंबद। ठीक, जल्दी जल्दी आ जाओ, ऑफिशियल लैंग्वेज दिल्ली सल्तनत की कौन सी थी, हिंद, उर्दू, अरबिक, पर्शियन या फिर हिंदी, कौन सी थी ऑफिशियल लैंग्वेज, जल्दी जल्दी बताते चले जाओ, उर्दू, अरबिक, हाँ बढ़िया, ठीक, मोहम्मद अब्दुल शाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज दिल्ली सल्तनत कौन सी थी, उर्दू, अरबिक, पर्शियन या फिर हिंदी, अरे पर्शियन यार, हिंदी तो इन्होंने बोली ही नहीं कभी, हिंदी क्यों बोलेंगे, हिंदी तो बाद में आई है, हिंदी तो बाद में आई है और बाद में प्रचलित हुई है, हिंदी तो बोलता ही नहीं था। देखो आगे आ जाओ, चनावा रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री, ये यार रहने दो, ये थोड़ा सा एक्चुअल में ना कभी कभी ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने यूपी पीसीएस से उठाया था, यूपी पीसीएस में ये सवाल 2013-14 में आया था ये सवाल, कि जो ये चचनामा रिकॉर्ड्स हैं उनमें किसके बारे में बात करी गई है, तो उनमें एक्चुअल में अरब्स जब यहाँ पर आए हैं उसमें क्या बताया गया, ये समझना एक बार बता दे रहा हूँ।
अरब जब यहां भारत में आए हैं तो कैसे आए हैं उसके बारे में बताया गया है कि पहले ये मुल्तान में आकर के सेटल हुए। जब ये मुल्तान में आकर सेटल हुए, पहले क्योंकि सीधे नहीं आ पाते थे, यहां बहुत सारे नदियां वदियां पार करके भारत में आना पड़ता था, तो पहले ये मुल्तान में आकर के सेटल हुए। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो सिंध प्रोविंस में आकर के सेटल हुए। ये सब बताया गया कि वो सब धीमे 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 उन्होंने अपना एडवांसमेंट कैसे कराया। तो ये थोड़ा ऑफ ट्रैक सवाल है, एसएससी में आता नहीं था, इसके पहले भी नहीं आया, लेकिन पता नहीं इस बार इन्होंने क्यों पूछा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम ये चीजें नहीं पढ़ते इनको। ठीक है, फिर भी नोट कर लो यार एक बारी। आओ, यहां पर आया पहला यूरोपियन कौन था जो भारत आया था, इनमें से हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया। मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले कौन आए थे, पोर्टुगीज। पोर्टुगीज में भी कौन आए थे, पोर्टुगीज में आए थे वास्को डा गामा। कौन से ईयर में आए थे, 1498 में आए थे वास्को डा गामा। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी आ जाइए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू मेक यूज ऑफ आर्टिलरी इन वॉरफेयर इन मेडिवल इंडिया। किसने गोला बारूद बंदूक तोप इसका इस्तेमाल करा था, बाबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या फिर अकबर। ये आपको मैंने बताया, हिंट के लिए बता देता हूं ये क्या चीज है यार, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसका सबसे पहले इस्तेमाल होता। बाबर वॉज द वन जिसने सबसे पहले क्या किया, तोपों का इस्तेमाल करना शुरू किया इन चीजों में। ठीक है, गुड गुड गुड, बढ़िया। आ गया, फर्स्ट वुमेन रूलर इंडियन हिस्ट्री की कौन थी। देखो 1200 समथिंग में क्या हुआ, जब इल्तुतमिश खत्म हो रहे हैं तो स्लेव डायनेस्टी जो है उसमें जब इल्तुतमिश खत्म हो रहे हैं तब हमारे पास ये रूलर आनी है जिनका नाम है रजिया सुल्तान। ये भारत की पहली महिला बनी जिनको क्या हुआ, जो भारत के तख्त पर बैठी थी और इनको सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन किसका, मेनली तुर्क चहलगानी का। ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके चलो। इसके बारे में तो नहीं बता सकता, शाहरान शिसवारे में तो मुझे नहीं आइडिया एग्जैक्टली कैसा क्या सीन है आपका भाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल कहां से शुरू, कहां से कहां शिफ्ट करी थी, कहां से कहां शिफ्ट करी थी, दिल्ली से देवगिरी शुरू करी थी, दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करी थी, क्योंकि इनकी जो कैपिटल थी बिल्कुल कोने में थी और आराम से कोई भी कोई अटैक कर सकता था, लेकिन इस शिफ्टिंग को किसी ने, उनकी प्रजा ने सपोर्ट नहीं किया और ये नहीं माना गया। ठीक है जी, चलो सारांश इस बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि पोस्टिंग का कहां पर क्या सीट है, क्योंकि यार मेरी नौकरी बहुत छोटे टाइम के लिए थी मैंने, इसलिए मुझे बहुत नहीं एग्जैक्टली मैं बता सकता क्या है इस बारे में, जो उस डिपार्टमेंट में होना, क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट में एक बार बात कर लीजिए तो आपको ज्यादा आइडिया लग पाएगा। हु वॉज रेफर्ड एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय सरोजिनी नायडू। अगली क्लास से मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा, ध्यान रखना, अगली क्लास से मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी कराऊंगा। तो कल क्या करेंगे ना, सब लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के आओगे, राइट आओ कल क्या करेंगे, सबके सब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के आएंगे। बताओ भाई किसको अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला था, किसने, सरोजिनी नायडू ने किसने बोला था कि ये अम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, आंसर क्या आ जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने उनको बोला था कि ये भारत और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अम्बेसडर है, इनके लिए एक बहुत बड़ा टाइटल है। लेकिन बाद में अगर आप जानेंगे तो इन्होंने ही, यही वो इंसान है जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे भी इन्होंने ही बोला था, बोले थे ऐसा है जब तक, और सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने, जो इनकी इस बात को देख करके, पहले इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं होना था, सुनना, अभी क्या है कि इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं होना था, लेकिन हुआ ये कि इन्होंने बोला कि करो या मरो वाली बात जब हो गई, डू और डाई, और हमें आजादी आजादी सब मिल गई, बोले सीधा डायरेक्ट एक्शन डे, बोले आप तब तक लड़ाई मत रोकना, जब तक पाकिस्तान बन ना जाए तब तक मत रोकना। तो शुरू हो गया कत्लेआम वहां पर, और उस समय की हालत यह थी कि ऑफिशियल डेटा यह बोलता है कि 5000 से 10000 लोग कम्युनल राइट्स में मारे गए, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान चाहिए, और यहां पर गवर्नमेंट कह रही थी नहीं हम नहीं देंगे, अलग कंट्री नहीं बनाएंगे, इस बेसिस के ऊपर ये राइट्स हुए थे। कई कई महीनों तक जो सड़कें थी वो लाल रही क्योंकि खून से लड़ा हो गई थी, इतना सारा वहां ब्लडशेड हुआ था उसमें। चलिए यहां पर आ जाइए, डू और डाई एसोसिएटेड विच मूवमेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, किसने कौन से मूवमेंट में बोला डू और डाई, करो या मरो का नारा, और किसने दिया था ये भी बताइएगा। ये सभी नेशनलिस्ट मूवमेंट की क्राय थी, दी गई थी हमारे महात्मा गांधी की तरफ से, लेकिन क्राय सभी लोगों का ग्वालिया टैंक मैदान से दिया गया था। पूछता है कहां से दिया था, तो कहां से दिया था, जगह का नाम क्या है, ग्वालिया टैंक मैदान, ग्वालिया टैंक मैदान, यहां से ये करो या मरो वाली जो नारा है ना, इस जगह से ये दिया गया था। ठीक, तो कौन से उसमें दिया गया था, दैट वाज द लास्ट मोमेंट ऑफ इंडिया, दैट वाज क्विट इंडिया मोमेंट, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो आंदोलन चला गया था उसमें दिया गया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो आज के हमारे 30 सवाल होते हैं यही समाप्त, अब हम मुलाकात करेंगे आपसे कल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे।
चलो तो फिर हमारी मुलाकात कल होती है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, चलिए मिलते हैं।